पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत एक युवती समेत चार आरोपी को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी हिमाचल से हेरोइन और चरस लेकर चंडीगढ़ सहित हरियाणा और पंजाब के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई करते थे। एसएसपी कवरिंदरदीप कौर ने बताया कि इन सभी आरोपियों में से पैसे का लेन देन सिर्फ युवती के जरिए ही होता था। ये लोग व्हाट्सएप के जरिए अपने ग्राहकों तक पहुंचते थे और तय की गई जगह पर उनको हेरोइन और चरस की सप्लाई करते थे। चंडीगढ़ से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। फोकस सिर्फ साडा सोर्स ते ही है। तुसी देखोगे तकरीबन हर केस च 29 एनडीपीएस जो कि प्रोविजन ही यही है कि जो भी सप्लायर है चाहे उस तो जीरो रिकवरी होए बट सप्लायर कैन बी बुक्ड बेस्ड ऑन द इनिशियल रिकवरी। तो इन्होंने केसिस भी असं 29 एनडीपीएस की रिकवरी पाई है तो वह बहुत स्ट्रिंजेंट कंडीशन उन्हों की बेल नहीं होंगी। आर एफर्ट इस साड़ी ब्रीफिंग साड़ी फोर्स में यही है कि सैकेंड थर्ड रैंक जरूर अनरैवल करन ते कला कला केस मोनीटर हो रहा है जिद असी पिछले जेडे लिंक्स उन्होंने अनरैवल करके बंदे अरैसट कर रहे हैं तो कार्रवाई ये चल रही है। हुण इवें केसिस जिवें हुण एक दो बंदे फड़ के असी पांच छे बंदे न्यूट्रलाइज कर सके हैं तो साड़ी एम वही रहिंदी।